तो हे गाइस, आज कहीं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला गणेश चतुर्थी फोटो एडिटिंग। तो गाइस, वीडियो को तब ध्यान से फुल वॉच करना है गाइस, तभी आप एडिटिंग सीख पाएंगे। अभी तक हमारे चैनल पर नए गाइस, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही इंस्टाग्राम पर कर दीजिएगा फॉलो। आज मैटेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो चलेगा बिना टाइम वेस्ट के इसको कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में अपने बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। यही बैकग्राउंड गाइस ओपन करने के बाद रिसार्ज वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद अपने बैकग्राउंड को हम रिसार्ज कर लेते हैं गाइस। 3000 कर लेंगे गाइस, तो नहीं होगा ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा गाइस 2596 गाइस। तो यहाँ पर हम डाल देंगे नंबर को, तो हमारा बैकग्राउंड जो HD क्वालिटी में रिसाइज हो जाएगा गाइस। तो देख सकते हैं गाइस। तो चलिए हम अपने मॉडल को सेलेक्ट कर लेते हैं गाइस। ऐड फोटो में बैकग्राउंड हम इजीली रिमूव करके रख लिए हैं गाइस। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर रखा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके उसे चेकआउट कर लीजिएगा। तो गाइस, मैं अपने बैकग्राउंड यानी अपने मॉडल को एडजस्ट कर लेता हूँ गाइस अपने बैकग्राउंड में गाइस। ये सर वीरेंद्र का फोटो गाइस, इन्हीं को मैं एडिटिंग करने वाला हूँ अपने इस वीडियो में गाइस। तो देखते रहिए ध्यान से गाइस। इतना कंप्लीट होने वाला, इसे हम डन कर देते हैं। अगर बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं गाइस, जो नीचे का कलर है गाइस, इसको हमको नीचे में मतलब ऐड करना होगा। तो चलिए गाइस, बैकग्राउंड को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड वाले क्लिक करने के बाद उसे हम फ्लिप रोटेट कर देते हैं गाइस। तो चलिए फ्लिप रोटेट कर देते हैं इधर मॉडल को, जो नीचे कलर है गाइस, उसको और रियलिस्टिक लुक लगेगा गाइस। चलिए अपना कलर दे देते हैं। तो गाइस, चलिए हम इसे इतना कंप्लीट होने के बाद, तो हल्का सा ओपेसिटी को माइनस करके हम हल्का जो मतलब इरेज है गाइस, उसको इरेजर वाला टूल में जाके नीचे का जो पार्ट है उसको इरेज कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं गाइस। हमको जो चाहिए उसको हम मतलब इरेज कर लेते हैं बढ़िया से गाइस, नीचे और ठीक लुक लगा लेना गया गाइस। तो चलिए, हम इतना कंप्लीट हो चुका गाइस। अपने हिसाब से आप चाहें तो इरेज करके देख सकते हैं, आपको जितना चाहिए अपने फोटो के हिसाब से आपको रखना होगा गाइस। तो मैं इतना ही रख लेता हूँ गाइस। तो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी इरेज कर देंगे। तो गाइस, ओपेसिटी को आप 100 करके भी देख सकते हैं, वो कैसे चाहिए गाइस। तो ओपेसिटी को हम 100 ही रहने देते हैं, हल्का सा चाहें तो आप माइनस भी कर सकते हैं गाइस। चलिए, इतना कंप्लीट होने के बाद चलिए एड फोटो में जाने बाद एक और टी का कॉपी आनजिए गाइस। उस पर हम ऐड करेंगे और मॉडल के शरीर पर मतलब शरीर पर नहीं, अपने माथे पर गाइस उसको एडजस्ट करेंगे गाइस। तो गाइस, इसे भी उसको छोटा करके और फोटो को अपने जूम करके इसी माथे पर एडजस्ट बढ़िया कर देना होगा गाइस, इसे भी रियलिस्टिक लुक लगेगा गाइस। तो चलिए गाइस, हम कितने प्रकार से एडजस्ट कर लेते हैं गाइस, ताकि एकदम मस्त लगेगा गाइस फोटो को देखने में भी। तो गाइस, हमारा जो टीका उसे एडजस्ट कर देंगे गाइस, उसका ब्लेंडिंग मोड आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर देंगे गाइस और रियलिस्टिक लुक लगने लगेगा गाइस। तो चलिए, हम ब्लेंडिंग मोड इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसको डन कर देते हैं गाइस। तो चलिए, इतना फोटो कंप्लीट हो चुका है, इसको डन सेव कर देते हैं। डॉट में जाकर थ्री डॉट पर क्लिक कर सेव कर देते हैं गाइस। अब चलते गाइस, इस फोटो को अगर ओपन करते हैं लाइटरूम ऐप के अंदर गाइस। तो लाइटरूम ऐप को अंदर ओपन करने के बाद इसे हम कलर ग्रेडिंग करेंगे और अमेजिंग रियलिस्टिक लगने लगेगा गाइस। तो चलिए, वीडियो को यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा, मैं किस तरह से लाइटरूम ऐप में एडिटिंग कर रहा हूँ। तो गाइस, हम लाइटरूम ऐप में एडिटिंग कर लिए हैं। तो गाइस, हमारे दिखते से बिफोर एंड आफ्टर कितना अमेजिंग लुक लग रहा है गाइस। तो चलिए, सेव इमेज सेवर वाला आइकन पर क्लिक करके अपने फोटो को सेव कर देते हैं गाइस। यहां तक वीडियो देखते चले हैं, तो लाइक नहीं की तो कर दीजिएगा लाइक और एक प्यारा सा कर दीजिएगा कमेंट, आपको अगला वीडियो कौन सा है नीचे कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। अभी तक यहां देखते हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर दीजिएगा तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको कौन सा वीडियो वाला चाहिए नीचे कमेंट में जरूर कर दीजिएगा।